अस्सलाम दोस्तों, वेलकम आपका मेरे चैनल एंड्रॉयड पीसी में। तो आज एक फिर नए ट्यूटोरियल फेसबुक के ट्यूटोरियल के साथ हाजिर हूँ। आज आप दोस्तों को बताऊंगा कि अगर आप फेसबुक से उतार चुके हैं और फेसबुक पर कोई अकाउंट को डिलीट करना चाहते हैं या अपनी प्राइवेसी से की वजह से परेशान हैं और फेसबुक छोड़ना चाहते हैं और चाहते हैं कि अपना अकाउंट डिलीट करना चाहते हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं वो आपको बताता हूँ। कि सबसे पहले आप लॉगिन हो जाएं। लॉगिन होने के बाद सेटिंग में आ जाएं, इधर क्लिक करें, नीचे सेटिंग है, सेटिंग पर क्लिक करें। सेटिंग पे आने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा पेज। तो नीचे जब आप देख जनरल में ही सबसे आखिर में देखेंगे मैनेज अकाउंट, तो इधर आके एडिट करें। एडिट करने के बाद ये कुछ इस तरह का ओपन हो जाएगा। तो इधर ये कह रहा है योर लेगेसी कॉन्टैक्ट, इसको नहीं छेड़ना। नीचे आ जाए, नीचे अगर आप परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं तो वो भी डिलीट कर सकते हैं। इधर आके आप इधर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप अपना अकाउंट डीएक्टिवेट करना चाहते हैं तो इधर आप डीएक्टिवेट, तो दोनों स्टेप चेक करते हैं। रिक्वेस्ट डिलीशन अकाउंट, तो डिलीट योर अकाउंट इन फ्यूचर, प्लीज़ कन्फर्म डैट यू वॉन्ट टू योर अकाउंट डिलीट आफ्टर योर डेथ। तो उसका मतलब ये है कि ये उन्होंने बताया हो कि अक्सर होता है कि लोग मर जाते हैं तो उसके बाद उनकी आईडी फेसबुक की वैसी फेसबुक पर ही रहती है। तो अगर आप चाहते हैं कि डिलीट हो जाए तो वंस समवन लेट अस नो डैट यू पास्ड अवे, समवन लेट अस नो यू, ऑल ऑफ योर इन्फो फोटो पोस्ट विल बी परमानेंटली रिमूव्ड फ्रॉम फेसबुक एंड नो वन विल बी एबल टू सी योर प्रोफाइल अगेन। तो ये कह रहे हैं कि अगर कोई हमें बताएगा, अगर आपने ये ऑप्शन सेलेक्ट किया तो फिर कोई वो नेक्स्ट में कोई ऑप्शन है वो इस तरह का प्रोसेस बना रहे हैं, आपको बताएं, आपसे पूछेंगे कि कौन या आप किसको सेलेक्ट करते हैं कि वो आपको इंफॉर्मेशन दे फेसबुक को कि आपके अकाउंट डिलीशन आपकी डेथ के बाद। तो वो भी आप इस तरह से भी परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं, यानी कि ये तो उन्होंने वैसे बनाया परमानेंटली डेथ के बाद लिखने, लेकिन आप वैसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं इसे और इसके बाद भी आप चेक कर सकते हैं परमानेंटली लेट इस तरह से कर सकते हैं। यानी कि ये आप पहले सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आप किसी और अकाउंट से, किसी दोस्त के या फैमिली मेम्बर के अकाउंट से या किसी रिश्तेदार के अकाउंट से जाके जो भी इस प्रोसेस में बताए वो उधर आप जाके उसे इन फेसबुक को मैसेज करें कि ये अकाउंट डिलीट कर दें, तो वो डिलीट कर देंगे। तो थोड़ा बहुत झूठ तो बोलना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ डिलीट अकाउंट करना चाहते हैं, डिलीट नहीं करना, सॉरी, डीएक्टिवेट करना चाहते हैं और कुछ टाइम के लिए, तो फिर डीएक्टिवेटिंग योर अकाउंट विल डिसेबल योर प्रोफाइल, रिमूव योर नेम एंड फोटो, मोस्ट थिंग्स यू हैव शेयर्ड ऑन फेसबुक, सम इंफॉर्मेशन में स्टिल बी विजिबल टू अदर्स सच एज योर नेम, फ्रेंड लिस्ट एंड योर अकाउंट डिसेबल। डीएक्टिवेट करने के बाद फिर वो सिर्फ ये नहीं कोई थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन ले सकेंगे, इसके अलावा आपका अकाउंट टोटली परमानेंटली फेसबुक से डिसेबल्ड हो जाएगा, डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो इस ऑप्शन का फ़ायदा ये है कि अगर आप फिर भी इस्तेमाल करना चाहें तो इसे एक्टिवेट कर सकते हैं और उसी फॉर्म में आपको मिल जाएगा। तो ये अब आपकी मर्ज़ी है, इस अप टू यू कि आप क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। दोनों ऑप्शन आपको मैंने बता दी हैं, इन में से आप कोई भी सिलेक्ट करके आप जो करना चाहें वो ऑप्शन सेलेक्ट करके आईडी डीएक्टिवेट या डिलीट करना चाहते हैं वो अब आपकी मर्ज़ी है, दोनों में आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए ट्यूटोरियल के साथ।
अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर। और अगर आप चाहते हैं कि आपको मज़ीद वीडियोज़ ही मिलती रहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें, इससे आपको नई आने वाली वीडियोज़ टाइम पर मिल सकेंगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।